He challenged Gopal to buy a huge Hilsa fish. No one asking him about the fish. Gopal accepted the challenge. After a few days, Gopal shaved his beard half on his face, smeared ash on his face, and wore rags and looked disagreeable. His wife was shocked. She asked him not to leave home like this. Gopal kept on telling her that he is going to buy a huge Hilsa fish. ये सीजन था हिल्सा फिश का और जो भी हर पूरे मार्केट में सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे और जो रॉयल कोर्टियर्स थे वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. इसने किंग को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करने दिया और उसने किंग ने बिलीव कर लिया कि कोई भी लोगों को रोक नहीं सकता हिल्सा फिश के बारे में बोलने के लिए. तो किंग ने गोपाल को चैलेंज किया कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ मार्केट से और तुमसे कोई नहीं पूछेगा हिल्सा फिश के बारे में, ये मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ. गोपाल ने अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. थोड़े दिनों बाद उसने अपनी बियर्ड को हाफ शेव किया और अपने मुंह पे और अपनी पूरी बॉडी पे ऐश को रगड़ लिया. उसके बाद उसकी जो वाइफ थी वो बहुत शॉक्ड हो गई और उसने पूछा कि तुम ऐसे घर से मत जाओ. और फिर गोपाल ने बोला कि मैं एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ. He buyer used Hilsa fish and went walking towards the palace. No one noticed the fish, but everyone was looking at Gopal disagreeful look. Everyone was asking Gopal, why are you in this mystic and mad look? You are looking a mad. Gopal ignored everyone. Gopal won the challenge. He went to meet the king, but stopped by the guards. The king ordered his guard to give entry Gopal. The courtiers were shocked after seeing Gopal in this ridiculous look. The king questioned, why are you in this ridiculous look? Are you gone mad? फिर गोपाल ने बहुत बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस जाने लगा, पर रास्ते में किसी ने भी उसकी हिल्सा फिश पे ध्यान नहीं दिया, पर सब उसके कपड़ों पे और उसके लुक पे बात कर रहे थे. गोपाल ने सबको इग्नोर करके आगे बढ़ता गया. गोपाल चैलेंज तो जीत गया, पर उसे किंग के पैलेस के सामने जो गार्ड थे उन्होंने रोक लिया और बोला कि तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते. फिर किंग ने अपने गार्ड को ऑर्डर किया कि तुम गोपाल को अंदर आने दो. फिर जो कोरियर्स थे वो उसका मजाक उड़ा